आज मैं आपको डायबिटीज के लिए कुछ प्राथमिक माहिती देना चाहता हूँ और आपको ये जानकर थोड़ी ताजुबी भी होगी और खुशी भी होगी। मरीज अक्सर ये कहता है कि डॉक्टर साहब गोलियाँ कितनी भी दीजिए, थोड़ा इंसुलिन भी दे दीजिए, लेकिन खाना और एक्सरसाइज मेरे से नहीं होने वाला है। तो उसे हम ऐसे समझाते हैं कि चार ख याद रखना, चार ख। पहला ख है खुशी। खुशी का मतलब होता है तेरे को तेरी तकलीफ़ की जानकारी है और तेरे को उसकी इलाज की जानकारी है। दूसरा ख है खाना, खाने में ध्यान रखना। तीसरा ख है खेलना यानी एक्सरसाइज करना। और चौथा ख है खोजना। खोजने का मतलब है आप अपनी बीमारी किस लेवल पे है, आप खाना बराबर लेते हो कि नहीं, एक्सरसाइज करते हो नहीं, और आप खुश रहते हो कि नहीं, ये देखो। तो अगर ये चार ख ध्यान में रहें तो डायबिटीज़ का इलाज आसान हो जाता है। तो अक्सर पेशेंट को पूछना चाहिए कि गाड़ी के चार पहियों में से एक पहिया निकल दिया तो गाड़ी चलेगी क्या? तो नहीं चलेगी। तो अब कितना भी खाने में ध्यान रखो 25% काम होगा, कितनी भी एक्सरसाइज करो 25% काम होगा, कितनी भी दवाइयाँ इंसुलिन लो 25% काम करेगा। और ये सब करते हुए भी अगर आपको टेंशन है तो वो भी 25% ही काम करेगा। तो ये चारों को आप जब मिला लेते हो तब आपकी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट एकदम पूरी होती है और सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बदले में काम नहीं कर सकते। थैंक यू।